आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नहीं, हम नहीं करेंगे। करना पड़ेगा खुशी, भरोसा नहीं है मुझ पे। रिलैक्स, कम क्या कर रहे हैं आप अनुप जी? अर्नब जी, अर्नब जी कहाँ हैं आप? हम ये पट्टी खोल रहे हैं। कौन हंस रहा है? हंस क्यों रहे हो? खुशी, यू रियली ब्यूटीफुल। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मुझे लगा कि नजर ना लग जाए तो। आपने हमारे साथ ऐसा मजाक किया? हमें आरती करनी है। इस घर में थोड़ी देर के लिए शांति रह सकती है? अरे चलिए नंद किशोर। अरे हेलो, हाय, बाय बाय, कहाँ चले? अरे चलिए ना। आपकी अम्मा कहाँ हैं? जी, वहाँ पे। गरिमा जी, आपकी दवाई। एक शादीशुदा आदमी के साथ ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार भी तूने उनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा? छीन लिया
तुमने सब कुछ हमसे, हमारे परिवार से। मानिए, हमें ये बात पता नहीं थी कि वो शादीशुदा है। उन्होंने ये बात हमें कभी बताई ही नहीं। तुम तो वही हो, वही गरिमा। ये चेहरा हम कभी भूल नहीं सकते। तुम ही वो औरत हो। हमें हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में अपने आप पवित्र कदम रखने की? हमारी बात तो सुनिए। हमें तंग करने में बहुत मजा आता है ना। हमने आपका फोन नहीं उठाया तो आपने हमारा फोन काट दिया। और अभी ये। तुम्हें क्या लगता है तंग करने के अलावा काजल मिटाने का और क्या रीजन हो सकता है? जैसे I don't know, हो सकता है काजल कब का मिट चुका हूं और मैं फिर भी जानबूझ के। अगली बार हम आपके किसी भी जाल में नहीं फंसेंगे। रेत की तरह आपकी उंगलियों के बीच से निकल जाएंगे और मौका मिलते ही इतनी तेजी से भागेंगे कि आप हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। समझे आप? फिर कभी ऐसा कहना भी मत। अर्णव जी, प्रॉमिस। हम आपसे वादा करते हैं। क्या बात है अर्णव जी, आप ठीक तो हैं? कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता दीजिए। खुशी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। Trust me, भरोसा है मुझ पर। सब एनके के रूम में। I don't want anyone to know. पीछे से चलते। आप हमें कहां ले आए? जब मैं 6 साल का था तब हम मामा मामी और आकाश के साथ दिल्ली समर वेकेशन के लिए आए थे। माँ ने हमसे कहा कि वो हमें कुछ दिखाना चाहती है।
पौधा एक पेड़ बनता है और हम सबको जिंदगी देता है। ये पौधा भी एक दिन बहुत बड़ा सा पेड़ बनेगा। मैं और पेशेंस रखो। पूरा साल पागलों की तरह समर वेकेशन का वेट करते थे ये देखने के लिए कि वो पेड़ बना के नहीं। मां हमेशा एक ही बात कहती थी, सब्र रखो छोटे, सब्र करो, फिर फाइनली वो एक पेड़ बन गया। मामा को गार्डनिंग का बहुत शौक था, मुझे शायद इसलिए क्योंकि छुट्टी में गार्डनिंग करता हूँ तो माँ के बहुत करीब फील करता हूँ। खुशी कि मेरे लिए दुनिया की सबसे स्पेशल जगह, मैं कभी किसी को यहां नहीं ला, यहां आता हूं तो लगता है जैसे वहां आसपास है। तब से आता हूं जब से वो समझ लेना चाहिए था तुम ही हो वो औरत जो हमसे मुंह छुपाए फिर रही हो। तुम उस काले साये की तरह हो जो इस परिवार का कभी पीछा नहीं छोड़ता। तुम जैसी औरतें किसी घर पर अपनी गंदी नजर डाल दे तो मरते दम तक नहीं छोड़ती। तुमने इस घर से हर खुशी छीन ली, एक पत्नी से उसका पति, बच्चों से उनके माता पिता और हमसे हमारा बेटा। ये सच नहीं है। चुप। तुमने एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बनाए और फिर अपनी करतूतों से तुम्हारा मन नहीं भरा तो अपनी बेटियों को इस घर में भेज दिया। पहले पायल और अब खुशी, हमारे पोता और पोती की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। हमारी बात तो सुन लीजिए, हम नहीं चाहते थे कि आपके बेटे। बस, इसके आगे एक शब्द नहीं सुनना हमें। तुम जैसी औरत के मुंह से हमारे बेटे का नाम आए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम और तुम्हारी बेटियों की चाल अब तक कामयाब रही क्योंकि हम यहां नहीं थे।
ये घर, ये परिवार हमारा है और हम तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने देंगे हमारे परिवार पे। तुमने हमें, हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब हम तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का जीवन बर्बाद कर देंगे। खुशी है सुन, रस्में कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक होने के लिए, ये सब अपनी जगह। लेकिन मेरे लिए आज इस वक्त तुम्हें यहां लाने का मतलब है कि हम एक हो गए। तुम आज से मेरी पत्नी है, मेरी मां की बहू। हैप्पी बर्थडे खुशी। आई विश तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। हमारे जन्मदिन पे वो फूल नहीं लाया था। तुम्हारे कुछ भी कहने से या करने से ये बदलने वाला नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारी बहू ने अपनी जान दे दी, हमारे बेटे की जान गई। अब हम तुम्हें तड़पाएंगे। तुम्हारे बेटियों को तो हम नहीं, नहीं। हमारी बच्चियां, उसमें उनका क्या कसूर है? यकीन मानिए, हमने कभी भी आपके घर को, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी वजह से अर्णव और अंजलि का बचपन छिन गया, इस परिवार की खुशियां छिन गई। आज भी इतने सालों के बाद उस हादसे की यादें अर्णव और अंजलि को चैन से जीने नहीं देती। माफ कर दीजिए, हमारे किए की सजा हमारी बच्चियों को मत दीजिए। देवी मैया की कसम खा के कहते, हमें नहीं पता था कि वह साथी से। झूठ बोल रही हो तुम। सच कहते, हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे कि अर्णव और अंजलि उनके बच्चे हैं। हम ये बात तब तक नहीं जानते थे जब तक हम आपको नहीं मिली उस दिन। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारी बच्चों को इस बीच में बताइए। लाएंगे, हम जरूर लाएंगे। तुमने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी इससे कम सजा तो हो नहीं सकती। अच्छा हुआ जो शादी से पहले तुम्हारा चेहरा दिख गया। अब ये शादी नहीं होगी।